फ्रेंड्स, नमस्कार। स्मार्ट बिजनेस गुरु में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसे बिजनेस टिप्स देने वाली हूँ जो एक बिजनेसमैन को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें जो उसे करनी चाहिए और कुछ ऐसी चीजें जो उसे भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। बिजनेस में यदि व्यक्ति सफल हो जाए तो उसकी जिंदगी ही बदल जाती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिजनेस में असफल हो जाता है तो मानो उसकी दुनिया ही खत्म हो जाती है। फिर उसके लिए संभल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बिजनेस में कदम रखने से पहले यह सुनिश्चित कीजिए कि आप किसी और की देखा देखी बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हैं। एक बैकअप प्लान बना लीजिए कि अगर आपका बिजनेस सफल नहीं हुआ तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे। एक इमरजेंसी फंड रखिए ताकि जब आपका बिजनेस घाटे या कम मुनाफे में चले तो आपके हाथ में कुछ पैसे बचे रहे और इस इमरजेंसी फंड में हर दिन या हर महीने कुछ पैसे जमा करते जाएं। एक बिजनेस में यह जरूरी होता है कि आप बेवजह के खर्चों से बचें। बिजनेस शुरू करने के तुरंत बाद इससे मुनाफे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। किसी छोटे मोटे बिजनेस को भी जमने में कम से कम 2-4 साल का समय तो लग ही जाता है। बिजनेस के शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हो सकता है आपको शुरू में हर दिन 10 से 15 घंटे भी काम करना पड़ सकता है। बिना कुछ दिए कुछ पाने की उम्मीद न करें। अगर आप किसी को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं तो इस बात की संभावना ज्यादा होगी कि सामने वाला व्यक्ति मन लगाकर काम नहीं करेगा। किसी और को भरोसे बिजनेस में तरक्की नहीं की जा सकती है, इसलिए केवल खुद पर निर्भर रहे। किसी और के भरोसे तब तक न करें जब तक आप उसे पैसे न दे रहे हो। कोई भी बिजनेस को शुरू करने से कुछ महीने पहले ही आपको उस बिजनेस के तौर तरीके मालूम कर लेना चाहिए और यह समझ लेना चाहिए कि कौन सा बिजनेस करना आपके बस की बात है और कौन सा बिजनेस आप नहीं कर सकते। अपने कंप्यूटर से कुछ अलग और नया करने की कोशिश कीजिए। ग्राहकों को संतुष्ट रखिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए ताकि वो आपका परमानेंट ग्राहक बन जाए। भूलकर भी किसी ग्राहक को ठगिए मत, क्योंकि किसी को ठगकर एक बार पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन फिर आप उसे हमेशा के लिए खो देंगे और धीरे धीरे आपका जो कंपनी है वो बदनाम हो जाएंगे, जिससे नए लोगों को भी आपके पास नहीं आएंगे। बीमा करवाएं ताकि दुर्घटना या चोरी होने पर आपको जरा भी आर्थिक नुकसान न हो। अगर आपने कुछ लोगों को काम पर रखा है तो अच्छा काम करने पर उन्हें बोनस दीजिए, इससे वे और ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। अपने कर्मचारी से बुरी तरह से बात नहीं करनी चाहिए, इससे वह काम तो करेंगे लेकिन उतना ही काम करेंगे जिससे उनकी नौकरी बची रहे। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।